हरे कृष्णा। भगवत गीता की ऑडियो नंबर 67 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की जय। इस ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले अध्याय का 31वां श्लोक। पहले मैं इसको संस्कृत में पढ़ रहा हूं। ना च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। सरलार दिए श्री प्रभुपाद जी ने, श्री प्रभुपाद जी की जय। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। देखिए, अर्जुन जी यहां पर बड़ा क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि मुझे इस युद्ध में विजय नहीं चाहिए। तभी उन्होंने कहा है मैं उसमें किसी प्रकार की विजय नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि विजय से मिलेगा राज्य। उन्होंने राज्य भी ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने कहा मैं किसी प्रकार की विजय, राज्य और राज्य से क्या मिलेगा, सुख या सुख की इच्छा रखता हूं। मैं इन तीनों में से किसी चीज की, ना मुझे विजय चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए और ना मुझे सुख। मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नहीं चाहता। वैसे ये भक्त की स्थिति भी होती है कि वो तो सिर्फ भगवान की सेवा करके ही प्रसन्न है। इसीलिए बाद में अर्जुन जी कहते भी हैं कि मैं तो जंगलों में जाके भिक्षा, यानी कि हे भगवान, हे माधव, मैं तो बस आपकी भक्ति करके जीवित रह लूंगा। मुझे कोई विक्ट्री नहीं चाहिए, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए। और मैं अपने स्वजनों का वध करने में कोई अच्छा ही नहीं देख रहा हूं। मतलब उसकी सोच ये है कि भाई मैं तो एक अच्छा भक्त हूं, मैं क्यों किसी को किल करूं। दैट इज द पॉइंट बीइंग एक्सप्लेन्ड हेयर, दैट इज द मेन थिंग। अब यहां पर थोड़ा सा अगर हम और डिस्कशन को आगे लेके जाएं तो हम देख रहे हैं कि अर्जुन अपने शत्रुओं को भी स्वजन कह रहे हैं। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी स्वजन कह रहे हैं, जबकि हमारी ये स्थिति है कि कई बार हम स्वजनों को शत्रु समझने लगते हैं, है ना। कोई जरा सी बात हो जाए तो कई बार हम अपने भाई को ही शत्रु समझने शुरू हो जाते हैं, या हम अपने पड़ोसी को शत्रु समझने लगते हैं। इवन भक्तों में भी कई बार होता है कि कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो हम भक्तों में भी शत्रुता का व्यवहार आपस में लाने की, मतलब आ जाता है, या जैसे भी हम समझें। ऑफिस में साथ काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के प्रति कई बार स्पर्धा इतनी बढ़ जाती है कि हम वो शत्रुता भाव ले आते हैं। तो कहना मैं यहां पर यही चाहता हूं कि हम अर्जुन जी से कुछ सीखें कि अर्जुन जी के साथ कितना बुरा किया दुर्योधन एंड कंपनी ने, फिर भी वो उनको अपना स्वजन कह रहे हैं, अपना बंधु मानते हैं। वो बात अलग है कि वो अपनी जो सेवा है, जो उनका कर्तव्य है, उससे भाग रहे हैं, तो अल्टीमेटली कृष्ण भगवान उनको समझा के ट्रैक पर ले आएंगे, या ये समझ लीजिए कि इस समय वो लीला कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक भक्त होने के नाते वो इतने बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। ये हर श्लोक में हम चर्चा करते रहे हैं अर्जुन जी के व्यवहार, अर्जुन जी की जो बिहेवियर है, नेचर है, करेक्टर है, चरित्र है, उसके बारे में। दृष्टि का फर्क तो सभी महान व्यक्तियों में होता है। कर्ण ने भी कहा था, जब उनकी बात हुई, कर्ण ने भी स्टेटमेंट दी महाभारत के युद्ध के बारे में कि हे कृष्ण, महाभारत की युद्ध भूमि एक यज्ञ भूमि है और आप इसके यज्ञपति हो। अर्जुन पुरोहित है, युधिष्ठिर यजमान है और आहुति कौरवों की दी जा रही है। तो दृष्टि का बड़ा फर्क होता है। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग वाक्य भी है कि बचपन में एक परीक्षा हुई, शायद ये परीक्षा थी युवराज किसको निर्धारित किया जाए इस एंगल से। तो उसमें था कि युधिष्ठिर महाराज को और दुर्योधन को, दोनों को कहा गया कि आप एक व्यक्ति नगर से ढूंढ के लाएं। दुर्योधन को कहा गया कि आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को ढूंढ के लाएं, और युधिष्ठिर महाराज को कहा गया कि आप सबसे बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाएं। अब दृष्टि का फर्क होता है। दुर्योधन अपने आप को बेस्ट मानता था, इसलिए वो अपने से बेटर किसी व्यक्ति को ढूंढ ही नहीं पाया और खाली हाथ लौट आया। तो आप देखिए, ये मेरे लिए भी है, हम सबके लिए है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने आप को इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ मानते हों। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये कमी हो कि हम अपने आप को बेस्ट माने, तो हम दूसरे किसी की सुन नहीं पाते। प्रभुपाद जी ने इतनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस भगवद गीता में दिए, इतने अच्छे बड़े बड़े इस दुनिया में धर्मात्मा हैं, भक्त हैं, गुरु हैं, जो शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन हम उन शिक्षाओं को ना लेना चाहते, ना सुनना चाहते, ना ग्रहण करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम सबसे बेस्ट हैं। तो जो दूसरा बंदा बोल भी रहा है, वो उसको भी इतनी समझ नहीं है।
कहीं ना कहीं हम इस बात से मारे जाते हैं। यही बात थी कि दुर्योधन अपने आप को बेस्ट मानता था, इसलिए कृष्ण उनके सामने स्वयं भगवान थे, तब भी वो उनकी इंस्ट्रक्शंस को न सुनना चाहता था ढंग से, न समझना चाहता था। वहीं युधिष्ठिर महाराज को कहा गया था कि आप सबसे निम्न व्यक्ति का ढूंढ के लाओ, तो उन्होंने एक व्यक्ति को कुएं में, और तो उनको कोई मिला नहीं, एक व्यक्ति एकादशी वाले दिन कुएं से पानी भर रहा था। अब शायद उस समय हर कोई निर्जला एकादशी करता होगा, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि देखो एकादशी के दिन भी व्यक्ति कुएं से पानी निकाल रहा है, इसका मतलब पीना चाहता है, तो ये कितना निकृष्ट है। तो उन्होंने कहा मिल गया, यही सबसे नीच व्यक्ति है, मैं इसको पकड़ के ले चलता हूँ। लेकिन जब उन्होंने उस व्यक्ति से बात की कि आप क्यों पानी निकाल रहे, तो उसने बताया कि वो पानी खुद के लिए नहीं अपने बैलों के लिए निकाल रहा है। तब इस बात को जानकर युधिष्ठिर महाराज को बहुत पश्चाताप हुआ और उनको लगा कि मैंने इतने अच्छे व्यक्ति के बारे में भी ऐसा सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज भी खाली ही लौट गए और उन्होंने कहा कि मुझे अपने से बुरा कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो ये है दृष्टि का फर्क। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने बारे में बुरा सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं भक्त हमेशा दूसरों में क्वालिटीज को ही देखता है और इसीलिए वो दूसरों की क्वालिटीज को ग्रहण करता चला जाता है। और जो अभक्त होता है दुर्योधन की तरह, वो दूसरों में सिर्फ कमियां देखता है और इसलिए उसके अंदर वो कमियां और घुसती चली जाती हैं। तो शास्त्रों के इन उदाहरणों से हमें हमेशा अपने जीवन में सीखने का प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत करें, और हमें अपने आध्यात्मिक सफलता के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को जल्दी से जल्दी अपना लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।